शेर चीतों के साथ जिंदगी जीने की बात ही कुछ और है। हम हैं जोनाथन और एंजेला स्कॉट और हम मसाई मारा के शेर, तेंदुए और चीतों को 40 साल से देखते आ रहे हैं। वो हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि हम उन सबको नाम से जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त जैक्सन ओली लुसेया। इन्होंने अपनी जिंदगी मसाई मारा में ही गुजारी है और ये सभी जानवर इनके लिए भी उतने ही खास हैं जितने हमारे लिए। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर एंजेला आई थी और यहाँ दो शेरनियां पेड़ पर थीं और तीन छोटे छोटे बच्चे थे 2 साल पहले। अब कभी भी क्लाउडी आए, 4 बच्चे उसी जगह पर हैं और इसकी वजह यह है कि शेरनियों को ये अच्छा लगता है कि उनके बच्चे वहीं पर रहें जहां वो पैदा हुए थे। और हाँ, वो पेड़ पर इसलिए नहीं चढ़ती हैं कि चारों तरफ के नजारे देखने हैं, बल्कि वो शेरनियां शायद कुछ देर के लिए अपने बच्चों से दूर रहना चाहती हैं। आप समझ सकते हैं, कभी कभी वो नाक में दम कर देते हैं, आपको उन्हें झेलना पड़ता है। वो बड़े होते जा रहे हैं 14 हफ्ते 16 हफ्ते के, जब वो माँ का दूध छोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें मीट चाहिए, माओ को शिकार करना होगा और इस वक्त माओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, उन्हें खाना कहाँ मिलेगा। हमने डाडा को स्ट्रगल करते देखा है। बफेलो कहाँ है? वो यहाँ कई हफ्तों से नहीं आए हैं, और अगर हो भी तो क्या यहाँ इतनी शेरनियां हैं जो उन्हें मार सके? मार्श प्राइड के लिए ये मुश्किल वक्त है। फिलहाल तो उनके आसपास कुछ बहुत बड़े साथी हैं, 3 नर हाथी इस दलदली इलाके में खाना ढूंढते और एक घनी झाड़ियों की तरफ जा रहा है जहां मुझे लगता है कि डाडा अपने बच्चों के साथ है। जब आप इतने बड़े होते हैं 6 टन के, तो क्या आपको इससे फर्क पड़ता है कि वहां शेर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन वो कोई चांस नहीं ले रहा है। अब एक और आ रहा है बाई तरफ से। यहां मामला गर्म होने वाला है, वैसे मौसम भी गर्म है यहां भी और वहां भी। देखिए दो हाथी आपस में किस तरह मिलते हैं। इसी बीच हमारे शेर उनके पीछे से निकल रहे हैं और यहां सब जगह बबून्स हैं। हर कोई यही रहना चाहता है, हाथी खाने के लिए, शेर अपना घर बनाने के लिए और बबून्स सोने के लिए। ओह माय गुडनेस, ये देखिए पेड़ को हिला रहा है। ओह माय गॉड, ये शेरनी नीचे गिर पड़ेगी। वो हाथी ने अपनी सूंड उठाकर अपने माथे से उस पेड़ को हिला डाला और मुझे ये लगता है कि उसने शेरनी को बहुत हद तक फंसा दिया है। और यहां दो हाथी आपस में सिर से सिर लड़ा रहे हैं। ओह वाह, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ताकत आजमाकर देख रहे हो। ये जगह थिएटर की तरह है, यहां हर चीज अपने करतब दिखा रही है। छोटा वाला हाथी बड़े को धकेल रहा है। ओह, ये देखिए, बड़ा भी जोश में आ गया, वो छोटे हाथी को वापस धकेल रहा है। इस बीच हमारी शेरनी अभी भी पेड़ पर ही है, हम उनके बहुत करीब हैं। यहां और क्या होने वाला है? ऐसी आवाज आ रही है जैसे बिलियर्ड बॉल्स हो, उनके दांत टकरा रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे के चेहरे पर वार कर रहे हैं। ये तो सीरियस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आवाजें उन्हें और बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल यहाँ शेर भी हैं और इससे बबून्स काफी सेफ महसूस कर रहे हैं।
इसे देखकर लगता है ये बहुत उत्तेजित है। यहाँ आसपास मादाएं हैं, वो सबको और मुझे भी ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का बॉस कौन है। हमें अभी अभी अमानी मिली है अपने 3 बच्चों के साथ। वो बहुत भूखी है, बच्चे भी बहुत भूखे हैं। वो कितने बड़े हो गए हैं, मतलब देखिए उन छोटे बच्चों को। मैंने करीब 1 हफ्ते से उसे नहीं देखा। 7 दिन में चीते के बच्चों में बहुत फर्क पड़ जाता है। लगता है अमानी बुरी तरह से खाने की तलाश में है, वो भूखी है। आप देख सकते हैं उनसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो किस तरह अपनी माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। ओ, यहाँ कुछ हो रहा है। गीदड़ों ने थॉमसन गजेल का एक बच्चा मारा है और अमानी आ रही है। वो आगे बढ़ रही है। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि चीते किसी और का खाना छीनने जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। वो हमारी तरफ आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या गीदड़ उनसे लड़ेंगे? गीदड़ शिकार को छोड़कर चले गए। अमानी ने गीदड़ों का शिकार चुरा लिया। गीदड़ उनसे डरकर भाग गए। बच्चे खाने पर टूट पड़े हैं। उनके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो खाने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अजीब बात है। ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता कि चीता किसी और शिकारी का शिकार उठा लाए। जब आप चीता को देखते हैं तब पता चलता है कि उनकी जिंदगी में डर की वजह से कितने उतार चढ़ाव आते हैं। उन्हें अपनी सारी जिंदगी चौकन्ना रहना पड़ता है और उनके बच्चों के साथ भी यही होता है कि खाना मिला और फिर कोई उसे ले गया। ऊपर से गिद्ध देखते रहते हैं। हाइनाज और शेर आवाज सुनकर आ जाते हैं। चीता को हमेशा डर लगा रहता है लेकिन फिर भी वो यही रहते हैं। वो बहुत अच्छे सर्वाइवर्स हैं। वो इसी तरह अपनी पीढ़ियों को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे।